वैसे तो मैंने बाल अपने ना पब्लिक में काटने थे और अगला मेरा प्रैंक यही होने वाला था, लेकिन मैं सैलून में ही जाके बाल कटाने वाला हूँ, तो अभी सैलून ही जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आपने सबने अच्छे से दिवाली मनाई होगी। और ये जो आपने पहले वीडियो देखी, ये तब का है जब मैं मानसिक तनाव से गुजर रहा था, तो नाउ फीलिंग बेटर, ओके है थोड़ा। क्लियर होगा कि मैंने बाल क्यों कटाए। तो मैं ऐसे लेटा हुआ था उसी दर्द में, अपने जो दर्द थे मुझे उस दर्द में लेटा हुआ था, तो मेरे दिल में पता नहीं क्या, हालांकि मैं बहुत महीनों सोच रहा था कि बाल कटाऊंगा या सेटिंग कराऊंगा, लेकिन उस दिन फिर एकदम ही एक इच्छा हुई कि कटा ही लूँ। तो मैं गया वहाँ नाई के पास, तो वहाँ पर मेरे को उम्मीद थी कि लड़का होगा शायद। और मैंने ये वीडियो भी जो आपको क्लिप देखी अभी, ये वाली वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी कि वहाँ जाके भी मैं व्लॉगिंग करूँगा, क्या पता मेरा मूड सही रहा तो। लेकिन वहाँ पे मेरा दोस्त नहीं था, उसके फादर साहब बैठे थे, तो वो अंकल से मैंने बात करी, बड़ा मज़ा आया मेरे को। तो वहाँ जाके ना मैंने कैमरा नहीं ऑन किया, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया क्योंकि वैसे ही दिमाग ख़राब था। तो मैंने फिर ना अंकल को कहा, मैं कहा अंकल बाल काटने हैं, तो कह रहे हाँ बैठो साइड से काट देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, मैं कहा सारे, तो कह रहा हाँ दाढ़ी सारी। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, मैं कहा मेरे को गंजा होना है, कह रहा पक्का। मैंने कहा हाँ, कह रहा पक्का सोच ले। मैंने कहा हाँ, तो कह रहे अरे वाह यार जैसी कमा, मतलब उन्होंने भी श्योरिटी ली कि सच में ये गंजा होना चाहता है लड़का। तो अंकल से मैंने कहा, मैं कहा अंकल कुछ अपने ज़िंदगी के बारे में बताओ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यू नो, कभी कभी हम मोबाइल से दूर रहें वही अच्छा होता है। तो फिर मैंने अंकल से बात करी, अंकल ने ना सेम उसी वाइब में आके मेरे को बातें करी। अंकल को नहीं पता कि मैं क्या दर्द से गुजर रहा हूँ या मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंकल ने भी ना अपने कुछ ऐसे सिचुएशंस बताए, अपने हालात बताए। पता नहीं शायद अंकल को फेस देख के पता लग गया या पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने बहुत मेरे को अच्छी अच्छी बातें करी। तो मेरा दिल फिर थोड़ा अच्छा हुआ, फिर कटा के इतना हल्का महसूस हो रहा था। और ना एक बात और, ये जो टाइम मैंने मार्च में बनाई थी, और मार्च से लेकर अभी तक हो गया मेरे को टाइम, मतलब 8-10 महीने जो भी मान लो उतना टाइम हो गया, तो उसमें ना ऊपर ऊपर साफ हो जाते थे, अंदर से भी साफ रहते थे, लेकिन ना डेली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आधा आधा घंटा देके डेडलॉक्स को साफ करूं, एक जटा साफ करूं। तो जब उन्होंने यहाँ से उस तरह मारा ना नीचे, तो जो वहाँ पे, क्योंकि पीछे का बाल तो मैंने देखे नहीं, आगे के जो मैंने बाल देखे ना, मैं भाई गॉड हैरान रह गया। उसमें इतने सारे कीड़े और जो नहीं रुई होती, जो मुंडों को पता होगा, लड़कों को पता होगा कि ये धुन्नी में या नाभी में सॉरी रुई सी जम जाती है, तो वैसी वैसी रुई जमी हुई थी, मिट्टी थी और कीड़े थे और पानी अंकल ने मारा था, मतलब सारा गिल्ला होकर इतना गंदा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो शुक्र है कि सही टाइम पे इच्छा होगी मेरी और मैंने बाल कटा लिए। और फाइनली फिर मेरे बाल सारे उतर गए, तो अंकल देख के काफी ज्यादा शौक हुए कि वो कहे कि इतना सुंदर मुंह है तेरा, तूने बालों के बीच और दाढ़ी के बीच में ऐसे लुका के रखा था अपने फेस को। तो मैंने कहा हाँ अंकल, मैं कहा फैशन ना टेम्परेरी चलने वाली चीज है, अगर बंदे ने लॉन्ग टाइम में रहना है तो उसको सिंपल सिटी चाहिए, सिंपल सिटी में ही बंदा गुजारा कर सकता है। और ये चीज मैं पहले भी यार फॉलो करता था, तो बस वो एक होता है ना कि अच्छा लगता है थोड़ा कभी कभी ऐसे। तो अब मैंने, और गंजा इसलिए हुआ कि पहले तो बाल बड़े थे तो लोग देखते थे, अब फिर बाल छोटे हैं तो गंजा हूँ, तो अब फिर एकदम से देखेंगे लोग कि ये तूने खेती कैसे उजाड़ ली अपनी। और ये मेन ना मैंने ये पब्लिक में ही बाल काटने थे, मेरा बिल्कुल प्रैंक का बिल्कुल टाइम था कि मैं पब्लिक में ही काटूंगा, लेकिन वो दिमाग मेरा स्टक हो गया वहीं पे। उसके बाद फिर जब मैं उभरा तो मैंने फिर इसी गम में अपने बाल कटा दिए। तो अभी फाइनली आपके सामने, दो मिनट, तो अभी फाइनली आपके सामने ऐसा हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, पहले अच्छा था या अब अच्छा था। और बाय द वे, मैंने काफ़ी, मतलब कस्टमर है ना हमारे दुकान पे, तो काफ़ी लोग आते हैं, तो वो सब भी देख के बिल्कुल ऐसे ये सीन हो जाता है कि गंजा हो गया ये सच में। तो वो कई कहते हैं, कई सियाने बंदे और अब प्रोफेशनल बंदे, वो सब कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो अब, पहले मतलब कि गंदे लगते थे। और जो मतलब मेरे लेवल के लोग हैं या फिर जो मुंडे हैं यहाँ पे, लड़के हैं, दोस्त लोग हैं, वो सब कहते नहीं जैसे पहले अच्छा था अब नहीं अच्छा। तो मतलब ना इससे मेरे को एक ये बात, मेरे को क्या है, मेरे को तो पता ही है, आपको एक चीज बताता हूँ कि इससे ये चीज पता लगती है कि इंसान अगर लोगों की सुनेगा ना तो भाई बहुत पछताने वाला है, क्योंकि लोग हमेशा हर बात के लिए टोकेंगे टोकेंगे, अच्छा करो बुरा करो कुछ ना करो तब भी टोकेंगे। तो इसलिए जब बाल बड़े थे तब भी कई टोकते थे, कई अच्छा कहते थे, अब जब बाल कटा लिए तो अभी भी बहुत बंदे हैं जो कह रहे बिल्कुल बेकार लग रहा है, क्या करा लिया ये, और अभी भी कई ऐसे हैं जो कह रहे भाई अब जेंटलमैन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने
फोटोशूट भी कराई है, दिवाली की फोटोशूट भी है, तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे नहीं देख रहा तो यूट्यूब पे मैंने फोटो डाली है, तो फोटोज भी देखो और मुझे बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और वहाँ से आगे की आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। जब मैं वहाँ से आया तो रास्ते में भी मतलब मेरे को 5-7 जने ऐसे मिल गए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से लोग जानते हैं, भगवान की कृपा से, भगवान से डर के ही बोल रहा हूँ कि थोड़े से, इतना सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी इतने लोग जानने वाले हो गए हैं। तो मुझे रास्ते में देखे, सब ने मेरे को मतलब हंसते हुए सब जा रहे थे, मतलब मेरे को देख के स्माइल कर रहे थे। देन उसके बाद मैं इधर मल्ले में आया, तो जहाँ से मैं आना था, जो सुनसान रोड है लाइनों की तरफ से, तो वो रास्ते पे ना वहाँ पे किसी ने बजरी और रेत रख दिया मेरे ख्याल रोड बनाने के लिए। तो इस वजह से ना मैं वहाँ से मैं आया नहीं, तो मेरे को गली में से आना पड़ा। और गली में बच्चे थे, आंटियाँ थी, तो वो सब बाय गॉड सारे बिल्कुल शॉक्ड हो गए। और मेरा मूड थोड़ा सा खराब था, लेकिन फिर उनका हंसता हुआ चेहरा देख के मेरे को अच्छा लगने लगा। तो उन सब ने भी कहा, और आंटी कह रहे कि पहले अब बेकार लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अब थोड़े थोड़े बाल आ जाएंगे तो और जैसे बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे और कह रहे, ये क्या करा लिया, कटप्पा ये वो, बच्चे तो देख के बिल्कुल शौक हो गए भाई। देन उसके बाद मैं अंदर गया तो मम्मी थी घर पे, तो मम्मी ने देखा कि, और मेरे मूड करके मम्मी घर पे थे कि ये कहीं कुछ पुट्ठा सीधा कदम ना उठा ले, इस करके मम्मी ने उस दिन काम की छुट्टी करी हुई थी। तो मम्मी ने देखा, कह रहे कि हाँ अब लग रहा है सुंदर बेटा, ऐसे करके कुछ बोला था, पता नहीं क्या बोला था। तो मैं, मम्मी भी खुश हो गई कि सच में ये तो हम सोच ही नहीं, बिल्कुल माता नहीं सोच सकते थे कि मैं ऐसा कुछ कराऊंगा। और भाई साहब मैंने ऐसा कुछ करा लिया तो अब बिल्कुल ही मतलब कि वो सक्के बक्के रह गए कि वाकई यार क्या कराया मैंने। तो ये बात यहाँ पे खत्म हुई। देन थोड़ा टाइम हुआ, मैं अपना नहाया, उसके बाद ना सर में मैंने ऐसे हाथ लगाया तेल वगैरह लगाने के लिए, तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ ना फोड़े हैं। हालांकि अभी सारे फोड़े ठीक हो गए हैं, मेरे ख्याल अभी 4-5 दिन हो गए हैं बाल कटाई को, और देखो बाल भी उग गए हैं इनमें, तो ना सारे फोड़े ठीक हो गए, लेकिन एक ये फोड़ा था ना ये पक गया था, और ये पूरा पकने के बाद 2 दिन में ही मेरा ख्याल पूरा पक गया था, तो इसको फिर पापा ने फोड़ा था। देन उसके बाद फोड़ने के बाद भी नहीं ठीक हुआ, तो अभी मैं वो वाली वीडियो भी लगा दूंगा कैसे फोड़ा था, वो भी देख लेना, गंदा है लेकिन देख लेना। इसी करके सिर बड़ा दुख रहा है। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे ही यहाँ पे कॉटन वगैरह रख के सोया रात को। अगले दिन फिर मैं सुबह उठा तो साला फिर पका हुआ था, तो फिर मैंने उसको फोड़ दिया। अभी फिर उसके बाद ये भी ऐसा सीन है इसका, अब आई डोंट नो कि आगे फिर ये पकेगा या मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी। और मेरे को नहीं पता, ये मेरे ख्याल ना जटाओं करके ऐसे खींच पड़ रही होगी सिर में, इस करके हुआ है। और उस समय नहीं था जब मैं डेड लुक थे, तब नहीं था ये, जब मैंने बाल कटा लिए तब मेरे को लगता है कि बड़े बाल ही सर को मेरे सूट करते हैं, छोटे बाल में ना एलर्जी हो जाती है। तो आज भी एक अंकल आए थे, तो वो मेरे को बोलते कि खोते दे पुत्रा, कहना हूं आया ना, कहना इंसाना की गिनती च, कहना पहला तो जानवर बनया पिया। तो उसी समय ना फिर एक लड़का आ गया, तो मेरे को कहना भाई बाल कटा ले, तो मैं कहा नहीं नहीं भाई है, मतलब ऐसे मजाक में। तो कह रहा रही है भाई तुम गलत किया, कहना कटा के, कहना बहुत ज्यादा मैं दुख हो रहा, कहना पहला सही से। तो मैं अंकल जड़े खड़े से, मैं कहा देखो भाऊ जी, मैं कहा मुंडे किदा कह रहे हैं, मैं कहा हूं नहीं वधिया लग रहा, तो मैं कहा तुसी कह रहे वधिया लग रहे हैं, कहना नहीं नहीं काके, कहना पहला कहना बिल्कुल ही खराब से, कहना हूं बहुत वधिया लग रहा, कहना टिक्का लाया, कहना गले च माला पाई, कहना हूं लगता पाया ना वधिया बंदा कि जेंटलमैन टाइप।
वो मुंडा कह रहा नहीं भाई कहता हूँ फुद्दू काम करा लिया तुम। तो अभी मैं काफ़ी ऐसे चर्चे हो रहे हैं, होते जाएंगे अभी जब तक लोगों को ना एक नॉर्मल देखने की आदत नहीं होती। तो और आई एम ओके नाउ, और सभी अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, और मुझे बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और अभी हाँ एक मेन पॉइंट कि अभी ना फोटोशूट वगैरह बहुत सारी होने वाली है मेरी, ओके रिपोर्ट वाली फोटोज आने वाली है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, अगर नहीं करना वहाँ पे तो मैं यूट्यूब पे भी। ठाकुर जी, तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो मेरी फोटो। और इसके अलावा वो जो साड़ी वाली वीडियो थी ना, उस पर बहुत सारे मेरे पास वो कमेंट आए, मैसेज आए, और जो कमेंट आए उसके अलावा पर्सनली कई मैसेज करते हैं, तो मैसेज इतने प्यारे प्यारे आए ना, इतने अमेजिंग अमेजिंग कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा यार बहुत। जो नहीं जानने आगे से आके बोलते हैं कि भाई आपकी वीडियो देखी मज़ा आ गया, या फ़ैन बन गए आपके, तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा। और अभी साड़ी वाली के 2-3 पार्ट और पड़े हैं, तो उन सबको भी भर भर के प्यार देना। हालांकि अभी व्यूज़ डाउन चल रहे हैं, इतने व्यूज़ आ नहीं रहे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि पावे 100 लोग देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि 100 तो मेरे को देख रहे हैं यार, बाकियों को तो कोई देखना नहीं पसंद करता, मेरी एक पागलपंती को लोग 100 जने बड़े प्यार से देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैसेज करके बताते हैं। तो थैंक यू सो मच कीप सपोर्टिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। अगली साड़ी वाली वीडियो में मिलता हूँ, साड़ी वाला बॉय विद बॉडीगार्ड, यो।